हेलो टू ऑल, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं ड्राइव फॉर पीस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फोर्ड की नई आने वाली गाड़ी यानी कि इको स्पोर्ट्स का लेटेस्ट अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ऑल नोटिफिकेशन पर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा कैमरा यूज कर रहा हूं और कौन सा माइक, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड की नई आने वाली यानी कि इको स्पोर्ट्स के फेसलिफ्ट वेरिएंट की। इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है और इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको क्या क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। ये एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है जिसकी लंबाई 4 मीटर तक ही होती है। इको स्पोर्ट्स का फर्स्ट जनरेशन 2003 में आया था और 2012 में सेकेंड जनरेशन इंडिया में लॉन्च किया गया था। फ्रंट में आपको काफी अट्रैक्टिव ग्रिल मिल जाती है जो इसके लुक को काफी इनहेंस करते हैं। नए फॉग लैंप मिल जाते हैं, नई DRL मिलती है, वहीं नीचे आपको स्किड प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आपको R16 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, वो भी ड्यूल टोन फिनिशिंग के साथ। और फ्रंट डोर्स पर आपको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM का फीचर मिल जाता है विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर के साथ। ये क्रॉसओवर SUV है इसलिए आपको व्हील्स पर काफी बड़े व्हील आर्च मिल जाते हैं जो इसके लुक को काफी अग्रेसिव बनाते हैं। वही गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आपको कुछ भी खास बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। गाड़ी की टेल लाइट में आपको LED लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं रियर प्रोफाइल में। बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो गाड़ी के इंटीरियर में आपको एक फ्रेश लुक मिलता है। वहीं गाड़ी के इंटीरियर में आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड मिल जाता है और गाड़ी की सीट पर आपको लेदर और फैब्रिक अपहोलस्ट्री सीट का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फीचर के साथ। गाड़ी में अब आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील के साथ ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं विथ 9-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ जो कि सपोर्ट करता है नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। वहीं म्यूजिक लवर के लिए इस गाड़ी में आपको 6 drive-on स्पीकर मिलते हैं जो काफी बेहतर क्वालिटी के हैं। वैसे तो इस गाड़ी का हेडक्वार्टर ब्राजील में है, बट इंडिया आने के बाद इंडिया के चेन्नई स्टेट में असेंबली होती है इस गाड़ी की। वहीं गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर तो मिलता ही है, वहीं गाड़ी में आपको एम्बिएंट लाइट का फीचर भी मिल जाता है। नई इको स्पोर्ट्स में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ का फीचर भी मिल सकता है। बात करें सेफ्टी की, तो फ्रंट में आपको 2 एयरबैग्स, हाई एडवांस स्ट्रेंथ स्टील से बनी है गाड़ी की बॉडी, ABS विथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और कैमरा, ब्रेक असिस्टेंट, क्रूज कंट्रोल जैसे अट्रैक्टिव फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। वैसे इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आता है, बट इंडिया में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन मिलेगा। बात करें इस गाड़ी के एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो तकरीबन 8,12,000 से लेकर 11,50,000 एक्स शोरूम प्राइस हो सकता है इस गाड़ी का इंडिया में। बात करें इंजन की, तो इस गाड़ी में अब आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बो ट्रॉल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 123 BHP की पावर, और इस इंजन के साथ आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है जो कि प्रोड्यूस करता है 120 BHP की पावर। वहीं आपको डीजल में 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 100 BHP की पावर। फोर्ड की नई आने वाली इको स्पोर्ट्स में आपको 7-speed DCT ट्रांसमिशन, 5-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए आपको इस गाड़ी के अंदर ड्राइविंग मोड्स के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। अगर आप भी इको स्पोर्ट्स लेना चाहते हैं तो इस गाड़ी को दिवाली के टाइम इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। मेहनत मेरी, प्यार आप सभी का। वीडियो को ऐसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ।